हर हर महादेव दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो के साथ आप सभी का डिवाइन स्टोरी के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज का ये अपडेट मैं केदार बाबा की यात्रा को लेकर आया हूँ। एक बार फिर से साल 2022 के अंदर भी चार धाम यात्रा करने के लिए आपको कोविड रिपोर्ट अनिवार्य कर दी गई है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप चार धाम यात्रा उत्तराखंड में आना चाहते हैं तो पिछले साल की तरह जो है आपको कोविड RT-PCR की नेगेटिव रिपोर्ट लेके आनी पड़ेगी। चाहे आपको जो है वैक्सीन दोनों लगी हो, उसके बाद भी आपको जो है कोविड की नेगेटिव RT-PCR रिपोर्ट लेके आनी होगी, जो कि 72 घंटे पहले की वैलिड रहनी चाहिए दोस्तों। तो ये एक नया अपडेट आया है दोस्तों, आज ही जो है ये ऑफिशियल न्यूज़ जारी हो चुकी है कि उत्तराखंड यात्रा करने के लिए सरकार एक नई गाइडलाइन जो है एक नई SOP जारी करने वाला है, जो कि जल्द ही हो सकता है कल तक आ जाएगी और उसमें सारी जानकारियां दी जाएंगी कि क्या क्या दिशा निर्देश रहेंगे इस बार कोविड की यात्रा कराने के लिए। जी हाँ दोस्तों, ये पूरी जानकारी मिलेगी आज के इस वीडियो में आपको। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक शेयर व सब्सक्राइब जरूर करना। दोस्तों, मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, पूरे देश से जो है कोविड के केस काफ़ी संख्या में बढ़ रहे हैं और कल अकेले देहरादून के अंदर दोस्तों 21 कोविड के पॉजिटिव केस पाए गए हैं, जिनमें एक आला IAS अधिकारी भी पाया गया दोस्तों। और इसकी वजह से प्रशासन अब सकते में आ गया है और कोविड को लेकर नई नई जो है अपनी प्लानिंग्स कर रहा है कि कैसे इस साल कोविड से हम लोग अपना उत्तराखंड बचा सकते हैं। तो इसके लिए जो है सरकार के लिए दोस्तों बहुत ही कम समय रह गया है, मात्र 5 दिन बाकी हैं अब ये यात्रा शुरू होने में, चार धाम यात्रा शुरू होने में। और अभी एक नया ये इस यात्रा में मोड़ आ गया दोस्तों। जी हाँ, अब तक लग रहा था कि इस साल कोई भी कोविड की जो गाइडलाइन है वो शायद जारी नहीं की जाएंगी सरकार की तरफ से, लेकिन दोस्तों एक बार फिर से जो है कोरोना देश में फिर से फैल रहा है, इसको देखते हुए जो है चार धाम यात्रा में फिर से नई गाइडलाइन लाने की तैयारी में है सरकार। और इस बार दोस्तों अगर आप यात्रा करना चाहते हैं तो पिछले साल की तरह ही आपको पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा और रजिस्ट्रेशन कराते वक्त आपको अपनी कोविड की रिपोर्ट अपलोड करनी पड़ेगी, तो ही आप अपना रजिस्ट्रेशन करा पाएंगे दोस्तों। और अगर आप कहीं दूर से आते हैं, आप अपना जब रजिस्ट्रेशन कराएंगे तब भी आपको कोविड की रिपोर्ट अपलोड करके वहां आप अपना ई पास बनवाएंगे। और जब आप उसके बाद हरिद्वार के अंदर एंट्री करेंगे दोस्तों, तो उत्तराखंड में जब आप एंट्री करेंगे यहां फिर से आपकी रिपोर्ट को जांचा जाएगा। तो उसके बाद अगर वो यहां आपकी रिपोर्ट वैलिड नहीं रहती है तो फिर आपका यहीं उत्तराखंड के अंदर कोविड टेस्ट किया जाएगा दोस्तों। और यहाँ कोविड टेस्ट होने के बाद ही आपको जो है आगे यात्रा में जाने दिया जाएगा दोस्तों। तो ये कन्फर्म न्यूज़ आ चुकी है कि इस साल भी सरकार जो है कोविड के टेस्ट अनिवार्य कर रही है और सभी भक्तों को जो है इस साल कोविड के टेस्ट कराकर ही जो है चार धाम यात्रा में वो लोग आ सकते हैं। तो दोस्तों इसके लिए जो है फाइनली गाइडलाइन आने वाली है, हो सकता है कल तक पूरी जानकारी आप सभी को मिलेंगी कि कैसे इस साल आप कोविड के लिए क्या क्या प्रोटोकॉल आप फॉलो करेंगे और क्या इस साल भी गर्भगृह में दर्शन होंगे। तो ये सारी जानकारी है दोस्तों आपको आने वाली लेटेस्ट SOP में मिलने वाली है। इसलिए अगर जिस भक्त ने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सारी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन चार धाम यात्रा से संबंधित हम लोग आप सभी के लिए लेकर आते रहते हैं दोस्तों। और जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप कोविड रिपोर्ट नहीं लेके आते हैं और जब आप किसी भी माध्यम से अगर आप ट्रेन से आते हैं या आप बाय रोड आते हैं, तो जब आप उत्तराखंड में एंट्री करेंगे या ट्रेन से जब आप हरिद्वार में उतरेंगे तो वहीं आप के लिए जो है स्टेशन पर कोविड टेस्ट करने के लिए व्यवस्था कर दी जाएगी, वहीं आप लोग अपना कोविड का टेस्ट कराएंगे और जो भक्त पॉजिटिव मिलता है वहाँ उसको वापस भेज दिया जाएगा और जो है बाकी यात्रियों को टेस्ट के बाद आगे यात्रा में निकाल दिया जाएगा दोस्तों। तो ये कन्फर्म अपडेट है। और दोस्तों इस साल अगर जो है सख्ताई ऐसे ही रही तो हो सकता है पर्यटनों की संख्या जो है इस साल भी बहुत कम ही रहने वाली है। तो दोस्तों अगर ऐसा होता है तो उत्तराखंड के लोगों के लिए ये बहुत ही बुरा समय रहेगा दोस्तों। पिछले 2 साल से मार झेल रहे यहाँ के जो व्यापारी लोग हैं, यहाँ के जो यात्रा से जुड़े हुए लोग हैं, वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं कोविड की वजह से। यात्री नहीं पहुँच पा रहे हैं और उत्तराखंड का जो पर्यटन का कारोबार था वो शून्य हो चुका है। तो दोस्तों इसलिए इस बार जो है सरकार भी इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए जो है SOP को जारी करेगी। तो हो सकता है सरकार भी चाहेगी ज़्यादा से ज़्यादा यात्रियों को इस साल यात्रा में बुलाया जाए, लेकिन उनके लिए सारी व्यवस्था की जाए और कोविड टेस्ट के लिए उनके लिए सारी जो है तमाम
उन जगहों पर कोविड सेंटर बना दिए जाएंगे जहां जहां यात्रा के पड़ाव आते हैं। तो इसलिए दोस्तों बेफिक्र रहना है, घबराना बिल्कुल भी नहीं है कि इस साल यात्रा को बंद कर दिया जाएगा। यात्रा बिल्कुल भी बंद नहीं होने वाली है। जिस वक्त का ई पास बन चुका है वो जब उत्तराखंड में एंट्री करे तो अपने साथ कोविड की रिपोर्ट जरूर लेके आइएगा। अगर रिपोर्ट नहीं लाएंगे तो आपको यही टेस्ट आपका हो जाएगा और उसके बाद आगे आप यात्रा में जा सकते हैं। तो इसलिए दोस्तों आप बेफिक्र होकर इस बार अपना प्लान कीजिए। जिन भी भक्तों का बुलावा बाबा की तरफ से आया हुआ है उनकी यात्राएं जरूर होने वाली हैं और लेटेस्ट SOP जैसे ही जो है आएगी हम आपको अपने इस चैनल के माध्यम से पूरी जानकारी देंगे दोस्तों कि कैसे आप अभी अपनी कोविड के लिए प्लानिंग्स कर सकते हैं, कैसे आप इस यात्रा में अपना ई पास बना सकते हैं। तो ये सारी जानकारियाँ मिलेंगी आपको हमारे चैनल पर। दोस्तों कैसा लगा आज का ये अपडेट, वीडियो पसंद आया हो तो कृपया एक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और फिर मिलते हैं ऐसे ही नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, हर हर महादेव, जय श्री केदार।